कोरोना के शिकार होने वाले लोगों की वृद्धि तेजी से भारत में हो रही है। तमिलनाडु में एक कोरोना पीड़ित की मृत्यु हो गई और बिहार के पटना में एक और पॉजिटिव पाए गए। बिहार में कुल 4 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति अब तक हो चुके हैं, यानी बिहार में भी कोरोना तेजी से बढ़ता दिख रहा है। वहीं पूरे भारत में 562 कोरोना पीड़ित व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं। कुल 11 भारत में कोरोना से मर चुके हैं लोग। यह विकट स्थिति है। इस स्थिति में आपको अपने आप को बचाना है। मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि यह एक महामारी है, इससे बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। बिहार में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए, जिससे 4 मरीज बिहार में हो गए, 11 मर गए, एक कल तमिलनाडु में मृत्यु हुई और कुल भारत में 562 तेजी से बढ़ा है कोरोना पीड़ित, 562 पीड़ित हो चुके हैं। 277 व्यक्ति जो ईरान में फंसे हुए थे उसे भारत लाया जा चुका है। तो यह वृद्धि देखकर यह अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार के कड़े रुख का पालन हम सबों को करना होगा, क्योंकि सरकार ने हमें बचाने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया। जरूरी सामान उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार, केंद्र सरकार ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए हर राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे खुले रहें, हेल्पलाइन तैयार करी जाए और 24 घंटा खुले रहे। खाद्यान्न पदार्थ हो या जो जरूरी सामान हो उसकी आवाजाही में दिक्कत न हो और उपलब्ध कराने की कोशिश करी जाए। तो कहीं कोई भी जो जरूरत की सामान है उसकी कमी नहीं होनी है। सरकार की निगाह, पैनी निगाह लगी हुई है। 3 महीने तक किसी भी एटीएम से पैसा अगर आप निकालते हैं तो किसी भी तरह का चार्ज आपसे नहीं वसूला जाएगा। मार्च में जीएसटी और इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी थी उसकी तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। कहीं घबराने की आवश्यकता व्यापारी वर्ग या आम लोगों को नहीं है। राहत सरकार द्वारा दी जा रही है। कई ऐसे योजनाओं का भी खुलासा किया जा रहा है जिससे आम लोगों को राहत हो। जीएसटी भरने वाले को 30 जून तक, इनकम टैक्स भरने वाले को 30 जून तक का वक्त मिला है। किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी है। और कोरोना वायरस से लोगों की मृत्यु हो रही है, 11 हो गई, 4 बिहार में मरीज हो गए, एक नए मिल गए मरीज पॉजिटिव, और भारत में 562 जो चिंता का विषय है, मरीज की वृद्धि हो रही है। कुछ अफवाहों को भी फैलाया जा रहा है, कुछ तरह तरह की बातों को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। उस अफवाह को आप विश्वास उस पर न करें, माने ना, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं या मनचले हैं जो तरह तरह के अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि फला जगह इतने मरीज हैं, फला जगह इतने मरीज हैं, फला जगह से इतने मरीज आए, लेकिन सारे गलत पाए जा रहे हैं। जो भी सरकारी आंकड़ा है, जो सरकार के द्वारा जो जारी किए जाते हैं, उस आंकड़ों पर विश्वास करें, न कि यत्र तत्र से भेजे जा रहे हैं आंकड़ों पर यकीन करें। FIR करी जा रही है ऐसे लोगों पर जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, चिन्हित किया जा रहा है। गलत तरीके से लॉकडाउन तोड़कर घूमने वालों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कड़ाई करी जा रही है। कहीं भी सरकार द्वारा कदम ढीला नहीं किया जा रहा है, कड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि यह बीमारी तेजी से फैल रही है। पूरा विश्व परेशान है, भारत को परेशान होने से बचाना है तो आपके सहयोग की जरूरत है, आपके मदद की जरूरत है, आपके जागरूकता की जरूरत है, आपके धैर्य
की आवश्यकता है, धैर्य बनाए रखें और सरकारी आंकड़ों पर ध्यान दें, न कि गलत तरीके से फैला रहे समाचार पर ध्यान दें। हम सब आपके लिए आगे हैं, आप द BNY न्यूज से जुड़े रहें। मैं हमेशा नई नई बात आपको बताता रहूंगा ताकि आपको कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद।